बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी मीनाक्षी लेखी के सामने क्या चुनौतियां हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगी और लगातार 10 साल से इस सीट पर काबिज रहे अजय माकन से कैसे पार पाएंगी, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी से बात की इंडिया टीवी की रिपोर्टर प्रियंका कांडपाल ने। क्या लगता है आपको, क्या वो मुद्दे होंगे जिन पर आप लड़ेंगी? लड़ाई जो है वो कुशासन के खिलाफ है और जो कुशासन की लड़ाई है वो पूरे देश की लड़ाई है। भ्रष्टाचार, महंगाई की लड़ाई, हर व्यक्ति की लड़ाई है और वो सारी जो ज़रूरतें हैं वो सब जगह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर कुशासन की व्यवस्था ने पूरे देश का तहस नहस कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि आप दिल्ली को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं जानती है, पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं, तो कमज़ोर कैंडिडेट अपने आप को मानेंगे या मानेंगे कि एक्सपीरियंस नहीं होना आपके लिए फायदेमंद? मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, यहाँ रही हूँ और पूरी मेरी जितनी उम्र है मैंने दिल्ली की सड़कों पे और इसी इलाके में काटी है। तो जो लोग इस तरीके की बात करते हैं या तो वो दिल्ली को नहीं जानते या दिल्ली में रहने वालों को नहीं जानते, वो शायद बाहर से आए हैं। नई दिल्ली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है लेकिन ना तो मैं दिल्ली के लिए नई हूँ ना दिल्ली मेरे लिए नई है। जी मीनाक्षी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके खिलाफ अजय माकन है कांग्रेस से, तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे, पिछली बार विजय गोयल जी को उन्होंने हराया है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उन्हें माना जा रहा है, आपकी नज़र में आपके लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है? क्या आशीष खेतान भी यहाँ आम आदमी पार्टी से, तो आपकी लड़ाई आप किससे ज्यादा मानेंगे? जहाँ तक आशीष खेतान है वो तो कांग्रेस की ही बी पार्टी का नाम है जो पिछले चुनाव में हम देख चुके हैं और तमाम इतिहास है मेरे पास जिस पर मैं लगातार बोलती भी रही हूँ, तो इसलिए मैं उनको कोई बहुत अहमियत नहीं देती। लेकिन हाँ, कांग्रेस के साथ लड़ाई है लेकिन इस बार कांग्रेस का जो होने वाला है वो हम पहले चुनाव में देख चुके हैं विधानसभा चुनाव में। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और उन्हें लग रहा है कि इस बार जो जीत है वो भाजपा की होगी क्योंकि कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी ही इकलौता विकल्प है फिलहाल लोगों के सामने। कैमरा पर्सन इंद्र मोहन के साथ प्रियंका कांडपाल, इंडिया टीवी, दिल्ली।